नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक 8 साल का नन्हा बच्चा अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकानदार के पास पहुंचता है और उस 1 रुपए को आगे करके उस दुकानदार से पूछता है कि क्या आपके पास ईश्वर मिल सकते हैं। आश्चर्यचकित दुकानदार उसको ईश्वर तो नहीं दे पाते, लेकिन उस बालक को वहां से चलता जरूर कर देता है। उसी तरीके से वो बालक अपने इस प्रश्न को लेकर दूसरे दुकानदार के पास जाता है, लेकिन उसे वहां पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। इसी तरीके से वो बालक तीसरी, चौथी, पांचवी दुकान करते हुए लगभग 40 दुकानों तक चक्कर काट चुका होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी उस 1 रुपए में ईश्वर नहीं मिलता है। अंततः वह एक बुजुर्ग दुकानदार के पास पहुंचता है और वह बुजुर्ग दुकानदार की तरफ फिर से 1 रुपए का सिक्का आगे करके और उससे यही सवाल करता है कि बाबा, क्या आपके पास ईश्वर है। उस नन्हे बालक का यह सवाल सुनकर बुजुर्ग बड़ा आश्चर्य में पड़ता है और उस बालक पर वो बड़ी दया भी करता है और उसे पूछता है कि बेटा, तुम्हें इस 1 रुपए में ईश्वर तो मिल सकता है, लेकिन आखिर तुम ये बताओ कि तुम उस ईश्वर का करोगे क्या, तुम्हें वो ईश्वर चाहिए क्यों। तो बालक जवाब देता है कि इस दुनिया में मैं और मेरी माँ के अलावा हमारा और कोई नहीं है और इस समय मेरी माँ किसी गंभीर बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती है और वहां के डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। इसलिए मेरे पास जो भी था, मैं वो सब कुछ लेकर के उस ईश्वर को ढूंढने के लिए निकला हूं और जब तक मुझे ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक मैं घर वापस नहीं पहुंचूंगा। उस बालक का यह अटूट विश्वास और अखंड आस्था को देखकर बुजुर्ग उससे वो 1 रुपया लेते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि बेटा, तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेगा। वो बुजुर्ग उस 1 रुपये में तो उसे कुछ दे नहीं पाता है, उसे 1 गिलास पानी पिलाकर वहां से चलता कर देता है। अगले दिन डॉक्टरों की एक टीम उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस औरत का इलाज करती है। भगवान की कृपा से वो औरत बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और जब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, उस समय जब वो बिल देखती है तो औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन डॉक्टर उसको कहता है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिल भर दिया गया है। यह सुनकर औरत बहुत आश्चर्य में पड़ती है कि आखिर उसका बिल किसने भरा। डॉक्टर कहता है कि जिस व्यक्ति ने आपका बिल भरा है वो एक चिट्ठी भी आंख छोड़ करके गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। जब वो औरत उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उस पर लिखा हुआ है कि मुझे धन्यवाद देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपके बिल का भुगतान ईश्वर ने कर दिया है। और अगर आप किसी को धन्यवाद देना ही चाहती है तो अपने उस नन्हे बालक को धन्यवाद दें जो अपनी अटूट विश्वास के साथ 1 रुपया लेकर इस दुनिया में ईश्वर को ढूंढने निकल गया था। विश्वास की इस जीत से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि विश्वास अगर हम करें तो हमें भी वो परमपिता परमेश्वर का शुभ आशीष जरूर मिल सकता है। इस समय हम एक वैश्विक महामारी से न केवल हमारा देश, न केवल हमारा राज्य, अपितु पूरा संसार ग्रसित है। आइए आप और हम मिलकर भी उस ईश्वर पर आस्था प्रकट करें, उस विश्वास के साथ उस परमपिता परमेश्वर को याद करें कि वो हमें इस महामारी से और इस मुश्किल घड़ी से हमें निजात दिलाए। मेरा अटूट विश्वास है कि हम सब मिलकर जब ऐसा करेंगे तो परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमें इस वैश्विक महामारी से न केवल हमारे देश, न केवल हमारे राज्य को, अपितु इस संसार को इससे मुक्ति दिलाएगा। विश्वास कीजिए हमें कि हम इस वैश्विक संकट से उभर सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी और विश्वास की इस आस्था को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।